गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ आर न्यू पैथोलॉजी क्लास इन विच टूडे वी विल स्टडी द लास्ट टॉपिक ऑफ इन्फ्लामेशन, दैट इज़ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। हम लोगों ने इससे पहले एक्यूट इन्फ्लामेशन कंप्लीट कर लिया है, उसके सारे इवेंट्स कंप्लीट कर लिए। एक्चुअली जो इन्फ्लामेशन का मैकेनिज़म होता है वो सब में एक जैसा ही चलता है, एक्यूट में भी और क्रॉनिक में भी, बस कुछ डिफरेंस इनमें पाया जाता है। तो वो क्या डिफरेंस होता है वो हम आज अपनी इस क्लास के अंदर पढ़ लेंगे। तो देखिए, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन क्या है? जो इन्फ्लामेशन लंबे समय तक चलता रहता है, लंबा समय मतलब कुछ वीक से लेकर कुछ महीनों या तक की, हो सकता है सालों तक भी वो इन्फ्लामेशन चलता रहे, जिसमें एक्टिव इन्फ्लामेशन होता है, टिश्यू इंजरी होती है और साथ साथ में हीलिंग भी होती रहती है, प्रोसीड करती रहती है। तो इस तरह के इन्फ्लामेशन को हम क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कहते हैं। इस क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के दौरान क्या क्या चीज़ें होती है? तो पहला, एंजियोजेनेसिस होता है, नई नई ब्लड वेसल्स बनेंगी। दूसरा, वहाँ पे MCI यानी मोनोन्यूक्लियर सेल इनफिल्ट्रेट हो जाती है, MNC का इनफिल्ट्रेशन होएगा। कौन सी MNC? मैक्रोफाज, लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स। तीनों के नाम याद कर लीजिए, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की पहचान होती है। जैसे एक्यूट की पहचान मैंने बताया न्यूट्रोफिल होती है, वैसे ही क्रॉनिक की पहचान क्या होती है? मैक्रोफाजिस, लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स। और तीसरा, वहाँ पे फाइब्रोसिस भी होगा, स्कार फॉर्मेशन उस जगह पर होता है, फाइब्रोसिस या स्कार का बनना। तो ये तीन चीज़ें क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में होती है। पहला एंजियोजेनेसिस होता है, दूसरा मोनोन्यूक्लियर सेल्स इन्फिल्ट्रेट होती हैं, और तीसरा वहाँ पे फाइब्रोसिस, जिसमें स्कार बनता है। अब क्रॉनिक इन्फ्लामेशन क्यों देखा जाता है? सबसे पहला, हो सकता है एक्यूट इन्फ्लामेशन जो है उसका कॉजिटिव एजेंट अगर परसिस्ट कर जाए, तो उसके बाद एक्यूट इन्फ्लामेशन आगे बढ़ता हुआ क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर एक्यूट इन्फ्लामेशन बार बार हो रहा हो, या खुद डायरेक्ट क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ही शुरू हुआ हो। डायरेक्ट कब शुरू होता है? जब कोई कॉजिटिव एजेंट बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ी इंजरी हो रही होती, तो डायरेक्ट ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो पहला तो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन एक्यूट इन्फ्लामेशन को फॉलो करता हुआ हो सकता है, जिसमें इंजूरियस एजेंट परसिस्ट कर जाता है, या फिर हीलिंग के नॉर्मल प्रोसेस में कोई इंटरफेरेंस हो रही होती है, तो एक्यूट इन्फ्लामेशन आगे क्रॉनिक में बदल जाता है। जैसा ऑस्टियोमाइलिटिस नाम के डिजीज़ में होता है, निमोनिया में होता है, निमोनिया जो कि लंग एब्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें ऐसा देखा जाता है। दूसरी कंडीशन हमने कहा, एक्यूट इन्फ्लामेशन अगर बार बार हो रहा हो, रिपीटेड बूट्स आ रहे हो एक्यूट इन्फ्लामेशन के, तो क्रॉनिसिटी हो जाती है, क्रॉनिक कंडीशन आ जाती है। जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बार बार हो रहा हो जिन लोगों में, जैसे क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस पढ़ाया था ना मैंने आपको सिस्टमिक के अंदर। इसके अलावा गॉल ब्लैडर में बार बार इन्फेक्शन हो रहा हो, जैसे क्रॉनिक कोलसिस्टाइटिस हो रहा हो, और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन स्टार्टिंग डिनोवो मतलब खुद से स्टार्ट हो रहा हो, जब लो पैथोजेनेसिटी होती है और क्रॉनिक हो, तो शुरू से ही जो है वो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कॉज हो जाएगा। जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हमेशा क्रॉनिक ही होता है, ये कभी एक्यूट में नहीं होगा। या ट्रिपोनीमा पैलिडम है, ये क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कॉज करेगा। अब क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स और मीडिएटर्स कौन कौन से होते हैं? तो ऊपर के तीन नाम तो अभी मैंने आपको बताए थे, मैक्रोफाजेस, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, ये क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की पहचान है। इसके अलावा ईओसिनोफिल्स और मास्ट सेल्स भी वहाँ पर आती हैं। मैक्रोफाजेस क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की डोमिनेटिंग सेल्स होती हैं, जो कि सर्कुलेटिंग ब्लड मोनोसाइट से निकलती है। रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम RE सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होता है, इसको अपन मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम भी कहते हैं। मैक्रोफाज हर एक जगह की अलग अलग होती हैं, ये आपको पता ही है। जैसे लीवर की मैक्रोफाज को अपन कुफर सेल्स कहते हैं, स्प्लीन में भी होती हैं, लिम्फ नोड्स में अपन साइनस हिस्टियोसाइट्स वो कहलाती हैं, CNS की माइक्रोग्लायल सेल्स कहलाती हैं, और लंग्स की एल्वियोलर मैक्रोफाजेस कहलाती हैं। अब ये पिक्चर अपन देखें तो ये आपको ब्लड वेसल के अंदर मोनोसाइट सर्कुलेट होती हुई दिखाई दे रही हैं। जब क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होगा तो ये चिपक जाएंगी ब्लड वेसल वॉल पे, और वहाँ से इसका एमिग्रेशन होगा। एमिग्रेशन प्रोसेस हम लोगों ने एक्यूट इन्फ्लामेशन में पढ़ा था। फिर ये एमिग्रेट होकर के टिश्यू मैक्रोफाजेस बाहर निकलेंगी, यहाँ पर क्या होगा, माइक्रोब्स, डेड सेल्स वगैरह का एक्टिवेशन होगा, इम्यून रिस्पॉन्स
में टी सेल्स एक्टिवेट होंगी, साइटोकाइन का रोल होगा, ये मैक्रोफाज यहाँ पर इनकी वजह से एक्टिवेट होगी। एक्टिवेट होकर के एक तो ये फाइब्रोसिस करवाएगी और दूसरा टिश्यू इंजरी और इन्फ्लामेशन कॉज करवाएगी, जिसमें रिएक्टिव ऑक्सीजन और नाइट्रोजन स्पीसीज बनती हैं, प्रोटियाज, साइटोकाइंस जैसे कीमोकाइंस वगैरह, कोएगुलेशन फैक्टर्स, अमाइनो एसिड मेटाबोलाइट्स, ये सारे के सारे इसके अंदर रोल प्ले कर रहे होते हैं। फाइब्रोसिस में ग्रोथ फैक्टर्स, फाइब्रोजेनिक साइटोकाइंस और एंजियोजेनेसिस फैक्टर्स का रोल होता है। फिर हमने कहा मैक्रोफाज के अलावा लिम्फोसाइट्स वहाँ पे आते हैं, टी और बी लिम्फोसाइट्स माइग्रेट होकर के इन्फ्लामेटरी साइट्स पर पहुँचेंगी कीमोकाइंस की वजह से या कीमोकाइनेटिक मूवमेंट के द्वारा। लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफाज बाई डायरेक्शनल वे में इंटरैक्ट करती हैं और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में रोल प्ले करती हैं। तो ये डायग्रामेटिकली बताया हुआ है, देखिए आप देख सकते हैं कि ये टी लिम्फोसाइट्स हैं, एक्टिवेटेड मैक्रोफाज जो है वो साइटोकाइंस वगैरह के द्वारा यहाँ टी लिम्फोसाइट्स पर एक्ट कर रही हैं, प्रेजेंस एंटीजन टू टी सेल्स से। मैक्रोफाज क्या करती हैं, टी सेल्स पर अपने एंटीजन को प्रेजेंट करती हैं जिससे कि टी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो जाती है और ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स वगैरह और दूसरे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स वगैरह को रिलीज़ करती है, IFN गामा को रिलीज़ करते हैं जो कि मैक्रोफाज में फिर एक्टिवेट होते हैं, फिर मैक्रोफाज से दूसरे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स निकलते हैं। तो इस तरह से जो प्रोसेस है वो इन्फ्लामेशन का चलता रहता है। फिर तीसरा ईओसिनोफिल्स का रोल होता है, इन्फ्लामेटरी साइट्स के चारों तरफ पैरासिटिक इन्फेक्शन के रूप में या इम्यून रिएक्शन मीडिएटेड जो IgE है उसके पार्ट के रूप में ये ईओसिनोफिल्स जो है वहाँ पर पहुँचती है। अगर कोई पैरासाइट का इन्फेक्शन हो जाए या फिर इम्यून रिएक्शन के द्वारा जो IgE मीडिएटेड होता है वहाँ पर ईओसिनोफिल्स का रोल होता है। ये एलर्जी से जुड़ी हुई सेल्स हैं, स्पेसिफिक कीमोकाइंस के द्वारा इंड्यूस होती है, जैसे ईओटैक्सिन इसको इंड्यूस करता है। ग्रैन्यूल्स जिसमें मेजर बेसिक प्रोटीन होते हैं, हाईली चार्ज कैटायनिक प्रोटीन वहाँ दिखाई देंगे, ये पैरासाइट्स के लिए टॉक्सिक होते हैं ईओसिनोफिल्स जो होते हैं, और एपिथेलियल सेल में नेक्रोसिस भी कॉज करवा देते हैं। मास्ट सेल्स जिसको अपन सेंटिनल सेल्स कहते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी। एक्यूट क्रॉनिक दोनों इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में इसका रोल होता है। ये साइटोकाइंस को बढ़ा देती है, जैसे TNF और कीमोकाइंस को ये बढ़ा देती है। एटॉपिक इंडिविजुअल्स में इंडिविजुअल ज़्यादा पाए जाते हैं, मतलब वो इंडिविजुअल्स जो एलर्जिक रिएक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिबल होते हैं उनके अंदर ये काफ़ी पाई जा रही होती हैं। मास सेल्स पे IgE एंटीबॉडी जुड़ती है, एनवायरमेंट एंटीजन उसमें एंटर करता है, ये हिस्टामिन्स और अमाइनो एसिड मेटाबोलाइट्स को रिलीज करती है, और एनाफाइलैक्टिक शॉक के लिए ये सेल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जैसा आपने अपने फर्स्ट ईयर में माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी पढ़ा था। अब क्रॉनिक इन्फ्लामेशन अगर किसी पर्सन में हो जाए तो उसके क्या सिस्टमिक इफेक्ट दिखाई देंगे, तो उसको बुखार चढ़ेगा, उसमें एनीमिया हो जाएगा, उसमें ल्यूकोसाइट का नंबर बढ़ जाएगा, ESR बढ़ जाता है और अमाइलॉइडोसिस हो जाता है। फीवर तो भाई इन्फेक्शस फॉर्म है इन्फ्लामेशन की, कि भाई बुखार तो चढ़ेगा ही। एनीमिया अलग अलग डिग्री का एनीमिया पर्सन के अंदर दिखाई दे सकता है, यानी हीमोग्लोबिन RBC की कमी आ जाती है। ल्यूकोसाइटोसिस में जनरल लिम्फोसाइट्स का नंबर जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि अभी हमने कहा ना टी और बी लिम्फोसाइट्स का वहाँ पे रोल होता है, मेनली टी लिम्फोसाइट्स का, तो इसलिए ल्यूकोसाइटोसिस हो जाता है। ESR बढ़ा हुआ दिखाई देगा। अमाइलॉइडोसिस एक बीमारी है, अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म की वजह से ये हो रही होती है, तो सेकेंडरी सिस्टमिक अमाइलॉइडोसिस भी पर्सन के अंदर डेवलप हो जाता है। इसके अलावा एक्यूट फेज रिएक्शन भी हम इसको कहते हैं, जब इन्फ्लामेशन का सिस्टमिक इफेक्ट दिखाई देता है, जिसमें साइटोकाइंस में TNF, IL-1 और 6 का रोल होता है। एक्यूट फेज रिस्पॉन्स जो है उसमें बहुत सारे क्लिनिकल और पैथोलॉजिक चेंजेस दिखाई देते हैं, जैसे पर्सन में बुखार चढ़ेगा, एक्यूट फेज प्रोटीन का प्लाज्मा लेवल बढ़ जाएगा, जैसे CRP बढ़ जाता है। CRP पता ना आपको टेस्ट करवाया जाता है, C-reactive प्रोटीन का टेस्ट करवाया जाता है, वायरस वगैरह कोई भी इन्फेक्शन होता है उसमें CRP टेस्ट पॉजिटिव आता है, जैसे अभी कोरोना के लिए भी हम लोग ये टेस्ट जो है वो करवाते हैं, RT-PCR के साथ में CRP वगैरह कई टेस्ट हम लोग करवाते हैं ताकि हमें कंफर्म हो जाए वो कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फाइब्रिनोजन का रोल होता है, सीरम अमाइलॉइड ए प्रोटीन का रोल होता है, ल्यूकोसाइट का नंबर बढ़ जाता है तो हमने बोला ही था, और सेप्टिक शॉक की कंडीशन भी हो सकती है। बुखार में जब इन्फ्लामेशन की वजह से इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन की वजह से होता है और उससे बुखार कॉज हो जाता है, क्योंकि पायरोजेंस जो है वो रिलीज होते हैं। पायरोजेंस क्या होते हैं, पायरिया कॉज करने वाले एजेंट्स, पायरिया हम बुखार को कहते हैं। इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस होता है वेस्क्यूलर और पेरीवेस्क्यूलर सेल्स में,
हाइपोथैलेमस की, जिसे न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह रिलीज होते हैं, वो हमारे अंदर टेम्परेचर को रीसेट करते हैं। इसके अलावा लाइपोपॉलीसेक्राइड जो बैक्टीरियल सेल वॉल से निकलता है, ये एक्सोजिनस पायरोजेंस होते हैं, ल्यूकोसाइड्स, साइटोकाइंस जैसे कि IL-1, TNF, कॉक्स वगैरह, ये सब बुखार कॉज करते हैं। अब ये दिखाया गया है, या आउटकम दिखाया गया है कि इंजरी हो जाती है, इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, टॉक्सिन्स या ट्रॉमा की वजह से, तो ये एक्यूट इन्फ्लामेशन कॉज करवाएगी, जिससे वैस्कुलर चेंजेस आ जाते हैं, न्यूट्रोफिल का रिक्रूटमेंट होता है और वहाँ पे मीडिएटर्स आते हैं। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, या तो रिजोल्यूशन हो जाएगा, यानी वो चीज़ें ठीक हो जाएगी, इंजूरियस जो स्टिम्यूलाई है वो क्लियर हो जाएगा, मीडिएटर्स क्लियर हो जाएंगे, वहाँ से हट जाएंगे, एक्यूट इन्फ्लामेटरी सेल्स वहाँ से हट जाएंगी और इंजर्ड सेल्स वापस रिप्लेस हो जाएंगी, उनका नॉर्मल फंक्शनिंग उनकी स्टार्ट हो जाएगी। ये तो पहला आउटकम है। दूसरा, वहाँ पे एब्सेस बन सकता है, यानी पस फॉर्मेशन, इसको अपन सपोरेशन कहते हैं, SUPPURATION। सेकेंड डायग्राम के आगे लिख लेना सपोरेशन, जैसे ऊपर रिजोल्यूशन रेड में लिखा हुआ है ना, वैसे ही रेड के अंदर आप इसमें सपोरेशन लिख लीजिए, SUPPURATION, उसका मतलब होता है पस फॉर्मेशन या एब्सेस। एब्सेस की होने के बाद वहाँ पे हीलिंग हो सकती है, हीलिंग की वजह से वहाँ पे फाइब्रोसिस हो सकता है, या हो सकता है एक्यूट इन्फ्लामेशन का डायरेक्ट आउटकम निकले फाइब्रोसिस, यानी लॉस ऑफ फंक्शन जहाँ पे दिखाई दे रहा होता है, या फिर हो सकता है एक्यूट इन्फ्लामेशन प्रोग्रेस करता हुआ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में कन्वर्ट हो जाए। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन एक्यूट इन्फ्लामेशन को फॉलो करता हुआ भी हो सकता है, या हो सकता है किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो जाए, क्रॉनिक इन्फेक्शन से हो जाए, या इंजरी परसिस्ट कर जाती है, या ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में जैसा हमने अभी पढ़ाई था, एंजियोजेनेसिस होगा, मोनोन्यूक्लियर सेल्स इन्फिल्ट्रेट होंगे और फाइब्रोसिस होगा, इसकी वजह से हीलिंग होते हुए फाइब्रोसिस आपको दिखाई देगा। तो ये सारे डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है आउटकम ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन का, जो हमने एक्यूट इन्फ्लामेशन में मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था, पर वहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं था। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको बनाना है, एक्यूट इन्फ्लामेशन पे क्वेश्चन आता है तो भी, क्योंकि ये इन्फ्लामेशन के आउटकम बताए गए हैं, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा आउटकम ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन, तो ये सारे आउटकम आपको लिखने हैं अच्छे से, सुंदर सुंदर डायग्राम बना करके। बस इसके साथ ही आपका ये इन्फ्लामेशन नाम का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वैसे काफ़ी इजी टॉपिक है, अच्छे से याद कर लीजिए, इसको रट्टा मार लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों, थैंक यू क्लास।